नमस्कार दोस्तों, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार और देश के लिए लगन और ईमानदारी का बेमिसाल उदाहरण द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े सांवैधानिक पद या कहें 15वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जो देश में महिला सशक्तिकरण का बेमिसाल उदाहरण है। तो जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। नंबर वन, एनडीए दल का देश में बहुमत होने के कारण द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कोविंद के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला होंगी जो इस पद पर पहुंचेंगी। नंबर टू, द्रौपदी मुर्मू का नाम देश की पहली आदिवासी महिला गवर्नर के रूप में दर्ज हो चुका है। वह साल 2015 से साल 2021 तक झारखंड के गवर्नर के तौर पर अपनी सेवाएँ दे चुकी हैं और वह झारखंड की पहली गवर्नर हैं जिन्होंने झारखंड के गवर्नर के तौर पर 5 साल की अवधि को पूरा किया है। नंबर थ्री, मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला हैं जो प्रेसिडेंट के पद के लिए आदिवासी महिला के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। नंबर फोर, मुर्मू की सिंपल लाइफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने गवर्नर और प्रशासन पूरा किया तो वह किसी सरकारी बंगले की जगह अपने गांव चली गईं और समाज सेवा में जुट गईं।